कितने का न बुला पाए हैं, कितने का न, ऐसा कुछ हो नहीं पाया सपीतों को उसमें। और जब ऐसा नहीं हो पाए तो फिर मैं या पैरा मेडिकल था ले तो गया बीजेपी का मिड्डा साहब। तो आड़ाले नेता ने, चलो आड़ाले नेता ने जो बीजेपी के थे उनने जनता को लेकर साथ क्यों नहीं कराया, अब ये क्यों जा रहा है, उनका तो शून्य पे स्वागत था। अगर की थी ने उसने आड़े सारे लोकल नेताओं को नकार दिया है, वो तो उससे बढ़िया राम कुमार गौतम को लाए, क्योंकि ये पहले भी चुनाव लड़ा था, तभी मैं बहुत बड़े और भी मंत्री बन रहे हैं, वो अपने उसका विकास कराएंगे अपने भविष्य के लेकर, वो ले जाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो मिड्डा ने सोचा तन्ने आना है, जनता की सेवा तन्ने करनी है, जो जनता की घनी सेवा करेगा तो जनता भी उसको सेवा तो देवेगी, मौका तो देवेगी। क्या मानते फिर आप जो जींद से विधायक है मिड्डा जी, वो अपनी वाहवाही करवा गए? हाँ यस यस। दोस्तों आप हमारे साथ है लाइव जुड़ चुके हैं दोस्तों, और इस वक्त आप देख पा रहे हैं दोस्तों जय हरियाणा टीवी, और आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विक्रम है दोस्तों, और दोस्तों मेरे साथ आप देख सकते हैं हमारे साथ है हाट गांव से है अंकल जी, और राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम आवाज सिंह है और मैं गांव वाट से हूँ, और मैं आप सबसे पहला तो मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूँ। अंकल जी जानना चाहूँगा आपसे, और बात की जाए तो सफेदों की राजनीति में ये समझ नहीं आ रहा था कि सफेदों में अब की बार है, किसके सिर पर है ताज सजने वाला है, और यहाँ से कौन विधायक बनने वाला है, तो ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जी राजनीति के जो समीकरण है ना वो जल्दी जल्दी है, थोड़ी थोड़ी बातों पर बदल जाते हैं। जैसे हम अपने पूर्व विधायक श्री सुभाष गांगुली जी थे, कांग्रेस से थे ये विधायक, और याड़े की जो राजनीति थी ना, याड़े की राजनीति ये सोच रहा था मैं भी सफेदों विधानसभा क्षेत्र का वोटर भी हो, और जनता की समझदारी है, जनता की समझदारी जो यहाँ का टिकट बंटवारा हुआ ना, तो टिकट बंटवारे को लेकर जनता ये सोचते थी सफेदों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी वोट देगी, बीजेपी ने तो कसूत कार्ड खेला, तो इसने बाहर का प्रत्याशी को टिकट दे दी, चलो इसकी समझदारी थी। और रही बात क्या फिर बीजेपी की चलाकी थी यहाँ पर भी दादाराम कुमार गौतम को नारनौल से यहाँ लेकर के आना, क्या ये बीजेपी की चलाकी थी? देखो जी वो तो जो आप पूछ रहे हैं ये बीजेपी की चलाकी, बीजेपी की चलाकी नहीं, मेरा व्यक्तिगत मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना है चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, टिकट बांटने वाला नेता, दोनों का टिकट बांटने वाले नेता ने अपने चाहतों को टिकट दी है, ये कारण समझ के, मेरी सोच है ये कारण समझ के कि इब की बार हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा बनना चाहिए, ये था, चाहे जिसके जितने बनका होंगे ना, चाहे उसने पार्टी बेशक तोड़नी पड़े, केवल भूपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते थे, भूपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते थे। बीजेपी एकदम बीच में कहाँ से निकल गई है? नहीं बीजेपी तो, बीजेपी का जो टिकट बंटवारे का एक तो ये समीकरण था, ये था मुख्यमंत्री का समीकरण बदलिया, ये था, और जो पहला बदलिया ना, पहला किस वर्ग से था उसकी वोट कितनी है, और उसने व्यापारी वर्ग के बीजेपी ने क्या किया, क्या वादे करे क्या ना करे, एक तो वादा करके निकल गए ये जीत पाई, एक सच्ची थी, और एक जो है ना ये कह रहे थे 60 आंगी 65 आई, यानी ओड तक पहुंचे नहीं, वोटर तक नहीं पहुंच पाए, असली तो वोटर जो वोट गिरने वाला है ना उसकी जबान उसकी अंदरूनी नहीं समझ पाए ये मीडिया कर्मी, तो ये कह गए होश गए, मसलन होश कह मैं एक मजदूर क्लास खड़ा हूँ, एक किसान खड़ा है, तो होश कह मैं किसान से डर गया, किसान से पूछ लिया किस क्या बोले की बार श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, फिर मेरे साथ कहा आप किसके, हाँ चल जो मेरे चाचा ने कहा ये यही है, यही मैं भी यही कहूँगा, ये यानी उसका लारा मन ने कह दिया अंदरूनी मेरी आत्मा तो दूसरी है, मैंने वोट कहाँ डालनी है। दादाराम कुमार गौतम को है बीजेपी यहाँ से उतार देती है, और यहाँ के जो लोकल नेता है, यहाँ के जो लोकल नेता है वो भी कहीं ना कहीं नाराज थे दादाराम कुमार गौतम से भी बाहरी उम्मीदवार को यहाँ से उतार दिया, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय नेता थे वो खुद बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, एक बन चुके हैं,
क्या आप आस लगाते हैं क्या दादाराम कुमार गौतम सिद्ध विधानसभा में विकास कार्य है वो करा पाएंगे? हाँ, यानी जो मैं व्यक्तिगत तौर से तो नहीं कह सकता, ये ले आएंगे जो पार्टी की रणनीति है ना जनता के प्रति, वो तो अवश्य अवश्य आएगी। एक बात रहा टिकट बंटवारे को लेकर, ये तो समझदारी बीजेपी की राज्य कमेटी की रही है, न कि क्षेत्रीय कमेटी लाले जैसे सफेदों की राजनीति है, सफेदों की राजनीति या बीजेपी की। यानी मेरी अपनी सोच यह है, जो बीजेपी की राजनीति मौखिक तौर से करते आए न, खुले तौर पर राजनीति नहीं देखन पाई, यानी सड़का पर जिंदाबाद मुर्दाबाद लोगों की या लोकल नेता थे ना बीजेपी के, वो सड़कों पर नहीं उतर पाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर पाए लोगों की समस्याओं को लेकर, और आगे पार्टी का बैनर लगा के, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। हो सकता है तो जो राज्य कमेटी बीजेपी की थी ना, उसने आड़े सारे लोकल नेताओं को नकार दिया है। वो तो उससे बढ़िया रामकुमार गौतम को ले आए, क्योंकि ये पहले भी चुनाव लड़ा था। तो फिर मेरी अपनी सोच है, जातीय समीकरण को लेकर यहाँ इसको उतार दिया गया है। जातीय समीकरण वो राज्य कमेटी न जातीय इस जाति के इसको दे सके हैं, और जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री के नाम से भी आएंगे, और जो हमारे पूर्व श्री मनोहर लाल खट्टर जी है ये भी वर्ग सही आ जाएगा। यहाँ पर सोच समझ के है दादा गौतम के आशे टिकट देंगे? हाँ, ये पार्टी की समझदारी थी, पार्टी की समझदारी के अनुसार दादा गौतम को सोच समझ के टिकट दी गई थी। 2014 में भी है यहाँ से बाहरी उम्मीदवार थी वंदना शर्मा, हाँ। उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, और 2014 में यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी थे यहाँ से जसवीर देसवाल जी, वो यहाँ से जीत जाते हैं। तो अब की बार 2024 में, यानी कि 10 साल बाद की बात की जाए, तो दादाराम कुमार गौतम यहाँ से बाहरी जो उम्मीदवार आते हैं और यहाँ से जीत जाते हैं, तो लोग हैं कहीं कहीं शुरू शुरू में देखा जा रहा था कि लोग नाराज दिखाई दे रहे थे, दादाराम कुमार गौतम तो भारी है भारी है भारी है, तो लोगों ने ऐसा मूड कैसे बना लिया भी हम तो बीजेपी को ही जिताएंगे? हाँ, ये बात सही है, वोटर है वोट डालता है, उसका दिमाग कुछ होता है, शुरू में कुछ होता है। रही बात जैसे वंदना जी थी, वंदना जी का अक्षेत्र में जन आधार नहीं था उस समय, और जो ये श्री जसवीर देसवाल जी जीते थे ना, इसका अपनी कम्युनिटी में भी और अक्षेत्र की जनता में भी जन आधार था, इसका जन आधार, इसलिए जीत पाया। तुमने तो पीछे भी 1997 में चुनाव लड़ा था, एक तो इसकी कम्युनिटी के पक्के रह गए, और हम बीजेपी के, हाँ चलो बाहर का रहें जाओ, यू काम करो ना करो, हमने तो बीजेपी से मतलब है, जो भी स्कीम लॉन्च होगी ना वो सब के लिए होंगी, न कि किसो एक के लिए होंगी। तो इसलिए इसको जनता ने सोचा इसको जिता दो, और जिताने की तो कोशिश चलो सुभाष की भी करी, फिर जितनी वोट आई ना सुभाष की भी बहुत ज़्यादा वोट है, ऐसी बात नहीं है, है? सुभाष का सामाजिक जो ताना बाना था ना, उसने तो टोटल की टोटल दही है वोट, उसने तो एक भी नहीं रखी, बल्कि एक वोट ने एक और अपने साथ वोट लिया है, एक वोट और लिया है, किसके लिए? अपने सुभाष के लिए, अपनी कांग्रेस के लिए लिया है। आपको पता है जो सुभाष अंगोली है सामाजिक तौर पर भी काम करते हैं, और बस है लोगों के लिए वो भी छोड़ी हुई है, पीजीआई जाती है, और कॉलेज में है लड़कियों के लिए है वो बसें जाती हैं, वोट क्यों डाला ने क्यों जिताया? हाँ, ये बात है। तो जो सामाजिक सेवा है ना, सामाजिक सेवा में समाज में बहुत सारे वर्ग आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैनी, ये मैं नाम नहीं लूँगा, एक धर्म तो पूरा फल था, एक कम्युनिटी तो कांग्रेस में थी, वो बीजेपी को तो वोट नहीं दे सकती, वो जी सेंटर में नहीं देनी, यहाँ क्या देगी? एक तो सुभाष के साथ था, फिर जो सुभाष जिस कम्युनिटी से आते उस कम्युनिटी की भी तो सेवा करी थी, और बाकी दूसरी जो मेरी अपनी समझदारी थी, मजदूर क्लास भी जाता है मौखिक रूप से कया भी,
और मौखिक रूप से सुभाष की वोट भी दई है, या तो व्यक्तिगत तौर से भी दई है और बाकी उस वोट को सुभाष के प्रति ले जाया भी गया है। चेक उसकी वोट काफ़ी गई है। अरे बाप ये तो फड़ा लो ना, इतनी वोट वो ले गया, कलेक्शन करा तो जितनी वोट ले गया बहुत ज़्यादा ले गया है, बहुत ज़्यादा ले गया। अब आप ये बताओ, देखिए 1991 में लगभग पूर्व में रहे मंत्री बचन सिंह आर्या को है मंत्री का पद मिला था, और 1991 के बाद है सुफीदों में अभी तक मंत्री पद नहीं मिल पाया है, तो आप क्या कारण मानते हैं और इस पर क्या कुछ आपके विचार? तो ये मंत्री पर ठीक है 1991 मिला है, तो सफीदों विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा सामाजिक या नेता ही नहीं आया है जो कि मंत्री पद का लायक हो, एकदम ही आए हैं। लंबे समय से आना चाहिए, लंबे समय से जनता के बीच रहे, पार्टी की नजरिया में आवे, पार्टी की नजरिया में आता रहे तो तभी तो जाकर पार्टी ने विश्वास हो, पार्टी ने इन नेता पर विश्वास ही नहीं होया। यानी मौखिक रूप से तो विश्वास है मैं भी हूँ, यानी या सांकेतिक रूप से कोड लैंग्वेज में वो भी नेता है। जो क्षेत्रीय नेता है इन पार्टी का पक्ष में कितने काम किए हैं और कितने लोगों से कहा हम पार्टी से मिलेंगे, मेरा मतलब है एक बहुत बड़ी पार्टी के नाम से रैली करी है और राज्य सरकार से बीजेपी के बड़े आला नेता को रैली में बुलाया है, कितने का न बुला पाए हैं, कितने का न, ऐसा कुछ हो नहीं पाया सपीदों को उसमें, और जब ऐसा नहीं हो पाए तो फिर काम कैसे होंगे। तो वही नेता लियास कहेगा ना जिसके पास जनता होगी, एक बात ये भी रहा है, ये वजह से हर एंगल से देखा जाता। जब वो मंत्री जी रहे थे श्री बचन सिंह जी आ रही है, उस टाइम क्षेत्र की व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी? अच्छा, जिस समय 1991 में बचन सिंह आर्य को मंत्री बना गया था तो क्या उस समय विकास कार्य वो करवाए थे? हाँ, उस टाइम विकास कार्य जो जनता चाहती उतने विकास कार्य हुए हैं, हाँ हुए, जनता के मुताबिक हुए हैं उस टाइम। और अभी मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ, अभी तक आपको ऐसा कौन सा नेता नज़र आया है जो सुफीदों विधानसभा में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य करवाए हैं जो मैं नहीं जानता और खुद जनता भी नहीं जानती है, जिन्होंने विकास की लहर लेकर के आए और बड़े बड़े काम हैं जो सुफीदों विधानसभा में करवाए, बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो मेरे ख्याल में ऐसा तो कोई चर्चा मेरे तो नहीं आया है, शिक्षा को लेकर है, लड़कियों का कॉलेज को लेकर है, कोई और बड़ा कोई प्रोजेक्ट तो यहाँ मैंने तो नहीं पाया, सारे मैंने तो समझ से बाहर ही रहे हैं सारे नेता, ऐसे सब आपको बराबर ही लगे ऐसी नहीं है। सामाजिक सेवा तो जैसे ये जो फिलहाल के जो नेता हैं, जो विधायक जो बनाए गए हैं दादाराम कुमार गौतम, क्या फिर वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे तो विधानसभा में, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और यहाँ से विधायक है बीजेपी से ही, क्या फिर वो रिकॉर्ड टूट पाएगा 2000? हाँ ये बात ठीक है, अगर बीजेपी सरकार, राज्य बीजेपी सरकार ये चाहे अगर इस क्षेत्र का विकास हो तो विकास सार्वजनिक विकास होगा तो जनता बीजेपी को चाहेगी, एकला दादा कुछ नहीं कर सकता, दादा जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकता है, जनता की आवाज़ को पहुँचा, जनता क्या चाहती है, अगर दादा जो क्षेत्र के नेता रहे हैं न्यू तो रहेगा तो कुछ नहीं है, जनता सड़का पर तो लेकर आवेगा ना या कुछ कहेगा, यानी एक बहुत बड़ा जनसभा बुलाएगा और राज्य सरकार से कहेगा कि ये जनता ये चाव है, तब तो हो सकता है, हूँ व्यक्तिगत मौखिक तौर से मैं ये करूँगा ये नहीं हो सकता, जनता को साथ लेकर होगा ना तब विकास होगा, अगर जनता साथ नहीं लेगी नथिंग विकास नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में बहुत बड़े और भी मंत्री बन रहे हैं, वो अपने उसका विकास कराएंगे अपने भविष्य के लेकर, वो ले जाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो वो ले जाएंगे। दादाराम कुमार गौतम को बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे विधानसभा के? वो पार्टी की समझदारी है, वो देखेगी हमें ये स्कीम कितनी लॉन्च करनी है, जैसे कितने अस्पताल देने हैं, कितने कॉलेज देने हैं,
टारगेटेड है, तो टारगेटेड में कितने यू खींच पावा वो इसकी बुद्धि के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर, और जनता ने साथ लेकर चलेगा तब मेरा जहाँ तक का विचार है हो जाएगा। जैसे भूतकाल में या पैरा मेडिकल था, ले तो गया बीजेपी का मिड्डा साहब, तो आड़ाले नेता ने, चलो आड़ाले नेता ने जो बीजेपी के थे उनने जनता को लेकर साथ क्यों नहीं कराया, अब ये क्यों जा रहा है, उनका तो शून्य पे स्वागत था। अगर आंदोलन करती ना, जनता का आंदोलन करते ना, वो आड़े रह जाता तो बीजेपी सरकार, राज्य सरकार यहाँ के क्षेत्रीय को टिकट जरूर देते। मेरे अपने सोच खुद जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने यहाँ पर स्फीतों की जनता से वायदा किया था भी आपके यहाँ पे है पैरा मेडिकल कॉलेज जो बनेगा, और उसकी ज़मीन भी है लगभग मिल चुकी थी, तो फिर कहाँ पर कमी मानते हैं, सफीदों से जींद क्यों गया? सफीदों से जींद होगा जो मिड्डा साहब थे ना तो विधायक था और न, लेकिन यहाँ के एक दर्जन से ऊपर बीजेपी के नेता थे ना, वो तो कोशिश कर सकते थे ना। यही तो मैं कह रहा था, जो बीजेपी का ब्लॉक का वर्कर था वो तो कोशिश, उनने भी नहीं कोशिश करी, उनने भी कोई बड़ी कोई आंदोलन नहीं किया, जनता में नहीं गए, कोई मीटिंग नहीं करी, कोई ब्लॉक लेवल की नहीं करी, कोई उनने कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं किया, उनका भी शायद मन हाथ टूटा रहा, इसलिए ऊपर राज्य सरकार बीजेपी का भी मन टूट गया, भाई क्या जरूरत है। तो मिड्डा ने सोचा तन्ने आना है, जनता की सेवा तन्ने करनी है, जो जनता की घनी सेवा करेगा तो जनता भी उसको सेवा तो देवेगी, मौका तो देवेगी। क्या मानते फिर आप, जो जींद से विधायक है मिड्डा जी, वो अपनी वाहवाही करवागे? हाँ यस क्यों नहीं करवागे, यू प्रोजेक्ट था ऊपर मिलकर बीजेपी सरकार से, उसका कुछ नहीं है, उसका अपने बना के जीवे तो ले गया है, किसके लिए, अपनी जनता के लिए, जनता किसकी, जनता उसकी, अपने लिए ले गया है, वो कौन रहा होगा उन्हें दैड देनी, फिर ले आई जनता उसको, तो जी तो नहीं होनी थी, अराड़े काफी वोटों से हार होगी, तुमसे नहीं सोते हम एनडी पाक थे, नहीं एनडी पाक थे, जो आड़े का वर्कर था, जो टिकट का दावेदार था, वो सोचता था मैं हूँ, ठीक है, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा है, कोई ने जनसभा करी, ठीक है सिंबल लगा लिया, पार्टी का सिंबल लगा लिया, अरे सिंबल तो लगा ले, पार्टी के नेता को तो लिया जो सही है, असली तो लिया, अब तो मौखिक लगा रहे हो, केरा हो केरा ना हो, असली तो नेता तो वो है जो पार्टी का, पार्टी ने बना रखा मंत्री, उसको लियाओ ना, जनता के बीच लियाओ ना।